नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ सर्दियों की स्पेशल सब्जी सरसों का साग। सबसे पहले मैं सरसों की भाजी बना रही हूँ, उसके लिए ले रही हूँ 1 किलो सरसों का साग। ये देखिए, इस सरसों के साग को देख के लेना है, डंडिया बहुत कच्ची कच्ची और एकदम फ्रेश देख के लेना है, पीले पीले पत्ते नहीं होने चाहिए। और अब ले रही हूँ 500 ग्राम बथुआ, बथुए को भी देख के लेना है, एकदम फ्रेश लेना है। और 500 ग्राम ही मैंने पालक लिया है। अब मैं सबसे पहले सरसों की साग को साफ कर दूंगी। ऐसे इस तरह से मेरे को ये पतली पतली पत्तियां लेनी है और जो पतली पतली डंडियां होती है उसको भी हमको लेते जाना है और उसको साफ करते जाना है। इसकी जो डंडियाँ होती है उसमें सुगंध भी अच्छी आती है और फ्लेवर भी अच्छा आता है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि डंडियाँ बिल्कुल फेंकनी नहीं है। जो ज़्यादा कड़क डंडियाँ हैं उसको निकाल देना है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने सरसों की सब्जी पूरी साफ कर दी है। इसी तरह से आपको बथुआ, पालक और सरसों की सब्जी साफ करना है। ये देखिए, अब तीनों सब्जियां मैंने अच्छे से साफ कर दी है। अब मैं इन तीनों को एक बकेट में पानी डाल के धो दूंगी। अब मैं इन तीनों सब्जियों को 2 से 3 पानी में अलग अलग धो के एक प्लेट में निकाल दूंगी। अब तीनों सब्जियां हमारी धुल गई है। अब हम एक एक करके तीनों को कट कर देंगे। अब मैं इन तीनों को काट देती हूँ। पहले ये सरसों की सब्जी है, इसको मैं छोटे छोटे पीस में कट दूंगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले सब्जियों को धो के फिर काटना है। अगर काट के हम धोएंगे तो इसके सारे पौष्टिक तत्व ख़त्म हो जाते हैं, सब पानी में चले जाते हैं। और अभी जैसे अब हम धो के काटेंगे तो सारे मिनरल्स फाइबर्स अंदर ही रहेंगे। मैंने इसी तरह से अब तीनों सब्जियों को काट के 3 ही बर्तनों में ले लिया है। अब मैं सब्जी बनाना शुरू करती हूँ। एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें मैंने 2 ग्लास यानी कि 1/2 लीटर पानी डाला है और अच्छे से उबलने दिया है। अब मैं एक एक करके तीनों सब्जियों को अंदर डाल दूंगी। अब मैं एक साथ सब सब्जियों को नहीं डालूंगी, थोड़ी थोड़ी करके एक एक करके सब्जी डालती जाऊंगी। जैसे जैसे पानी का उबाल आता जाएगा वैसे वैसे डालती जाऊंगी और एक चम्मच की सहायता से हिलाती भी जाऊंगी। अब देखिए, ये थोड़ी मात्रा भी कम हो गई है तो हम दूसरी सब्जी और डालते जाएंगे और चलाते भी जाएंगे। ये भी सब्जी अब मेरी गल गई है, अब मैं सारी सब्जी इसमें डाल दूंगी। और गैस की फ्लेम को भी मैंने फुल रखा है ताकि उबाल अच्छे से आ जाए। अब हमारी सब्जी अच्छे से उबलने चालू हो गई है और मैं चम्मच से भी बीच बीच में इसे ऐसे हिलाती भी जाऊंगी और फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। मैंने सब्जी को 15 से 20 मिनट उबलने दिया है और साइड में एक बर्तन में गर्म पानी भी रख देंगे। अब हम ढक्कन ढक देंगे इसके ऊपर, और ढक्कन को पूरा नहीं ढकना, आधा ढक्कन करना है ताकि इसके अंदर कड़वापन नहीं आए। अब 15 मिनट हो गए हैं, अब मैं ढक्कन हटा के और एक चम्मच से हिला दूंगी और इसमें अब मिर्ची और अदरक कटी हुई दोनों डाल दूंगी और एक चम्मच से हिलाती जाऊंगी। इसमें मैंने 10 से 15 कटी हुई मिर्ची डाली है और 1 इंच बारीक कटी हुई अदरक डाली है। सरसों की सब्जी बनने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। आप चाहे तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में इतना पानी नहीं डालना है, 1/2 गिलास ही पानी डालना है और 1 सीटी आने तक ही उसको उबलने देना है। अब हम इसे 1 घंटा उबलने देंगे और बीच बीच में अगर लगे कि पानी की मात्रा कम है तो उसमें गर्म पानी भी डालते जाएंगे। और ध्यान रखना है कि ठंडा पानी नहीं डालना है और वापस ढक्कन को ऐसे ही ढक देंगे, थोड़ा खुला रखेंगे। अब मैं थोड़ी टाइम से ढक्कन उठा के चेक करती हूँ। पानी देखिए सूख गया है। अब मैं एक मथानी लेके और उससे घोट दूंगी। अच्छे से दबाते जाना, इसे पेस्ट करना है ताकि ये अंदर जो भी मिर्ची अदरक का पेस्ट वो डाला है हमने वो भी घुट जाएगा, और पालक और ये जो डाली है मैंने सब्जियां वो भी सब घुट जाएगी। और अब मैं थोड़ा पानी डाल दूंगी गरम। इसी तरह हम सब्जी सूख जाने पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मथानी से घोटते भी जाएंगे।
अब मैं 15 से 20 कटी हुई लहसुन की कलियां भी डाल दूंगी, और क्योंकि पानी भी कम हो गया है तो अब मैं थोड़ा पानी भी डाल दूंगी और उसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप लहसुन को मिर्ची और अदरक के साथ ही डालना, क्योंकि मैं लहसुन डालना भूल गई थी। अब हम एक चम्मच से हिला देंगे। अब थोड़ी देर हो गई है, अब मैं सब्जी को वापस चेक कर देती हूँ एक चम्मच से। और अभी इसी वक्त अब मैं मक्की का आटा 3 से 4 चम्मच डाल दूँगी। मक्की का आटा डालने से सब्जी एकदम घट हो जाती है, और एक चम्मच से बराबर हिलाना है ताकि इसमें गट्टे नहीं हो जाए। और एक चम्मच की सहायता से इसे बराबर मैश भी करते जाएंगे ताकि इसमें जो पत्तियाँ और डंठल है वो भी एकदम घुट जाएगी। अब मैं इसमें 1.5 गिलास पानी भी डाल दूंगी और उसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मुझे लग रहा है कि पानी की ज़रूरत और पड़ेगी, तो मैं 1/2 गिलास पानी और डाल के और सब्जी को मिक्स कर दूंगी। अब मैं अपने स्वाद अनुसार नमक भी डाल दूंगी। हमें इस सब्जी को ना तो ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा घट करना है, मीडियम रखना है तो उसका टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। अब सब्जी को 10 मिनट के लिए और उबलने देंगे। अब हमारे 10 मिनट हो गए हैं, सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। अब मैं इसका तड़का देने के लिए एक कढ़ाई ले रही हूँ, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून घी डाल दूंगी। अब मैं 2 कटे हुए प्याज डाल दूंगी और 8 से 10 कली लहसुन कटी हुई डाल दूंगी, और इसी के साथ 1 इंच अदरक टुकड़ा काट के डाल दूंगी। अब मैं इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर दूंगी। अब मैं इसे हल्का ब्राउन होने तक इसे पकने दूंगी। अब इसमें 2 साबुत लाल मिर्ची डाल दूंगी और 2 हरी मिर्ची कटी हुई डाल दूंगी, और उसे बराबर भूनते जाएंगे। अब प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो मैं इसी के साथ 1/2 छोटा चम्मच हींग डाल दूंगी और 1 चम्मच जीरा डाल दूंगी, और इसे अच्छे से चलाती जाऊंगी। अब 2 कटे हुए टमाटर भी डाल दूंगी और उसे भी अच्छे से मिला दूंगी। अब हमारा टमाटर जब तक बिल्कुल सॉफ्ट हो तब तक मैं इसे हिलाती जाऊंगी। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल दूंगी। नमक का ध्यान रखना है क्योंकि हमने साग में भी नमक डाला है। तो अब मैं इसे चम्मच से इसको बराबर पेस्ट करती जाऊंगी। 5 मिनट बाद में मैं 1/2 कप पानी डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तड़के को पकते पकते 10 मिनट हो गई है। अब मैं इसी के साथ सरसों का साग डाल दूंगी और अच्छे से मिला दूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से पकने दूंगी, और बीच बीच में चम्मच की सहायता से चलाती भी जाऊंगी। पंद्रह मिनट हो गए, अब हमारी सरसों की सब्जी बिल्कुल रेडी है, और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आप भी ये सब्जी ज़रूर बनाना और मक्की की रोटी के साथ खाना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी।